मैं उड़ीसा के जनता को पहले ही चेतावनी देना चाहूँगा कि अब तैयार हो जाइएगा कि अपना जंगल जमीन सब बेचने वाले सरकार आ गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं बनाए, जितने भी जंगल जमीन पानी है जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया, गुजरात में हमने देख लिया, तो आप लोग तैयार रहिए। मध्य प्रदेश में हमने देख लिया, आपके कोई भी जंगल नहीं बचेगा, कोई भी आदिवासी का जमीन नहीं बचेगा, कोई भी अनुसूचित जाति का घर नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी तरह से कालांडी, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, पूरी तरह से ये लोग जो है अदानी और वेदांता को देने की तैयारी में। मुख्यमंत्री जो है वो तय करेंगे अदानी और अंबानी और वेदांता। तैयार रहिए। कल हम प्लेन में आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि सब सूट बूट वाले हमारे साथ थे, इतने ज़्यादा पहले मैं नहीं देखा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि बीजेपी की सरकार आ रही है, सब जो है लूटने वाले जो है भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं। इतने दिन से मैं भुवनेश्वर दिल्ली का फ्लाइट कर रहा हूं, कभी इतना सूट वाला जो है कभी मैंने नहीं देखा। होटल में आज हम लोग देख रहे थे, इतने सूट वाले अचानक कहां से आ गए। आपका कोई भी जंगल जमीन कुछ नहीं बचेगा, और कोस्टल इलाके के लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर 5 साल हम लोग संघर्ष करेंगे। उड़ीसा के जनादेश को हम पूरी तरह से सम्मान देते हुए, लेकिन आपके मुद्दे हम छोड़ेंगे नहीं। और अगले 5 साल में हो सकता केंद्र में सरकार गिरे या नहीं गिरे, वो दूसरी बात है। अगर सरकार गिर जाती है तो फिर से लोकसभा चुनाव होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने जंगल और जमीन बिच चुका है, बेच देंगे ये लोग। तो इसलिए उड़ीसा के जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रमुख मेरे तरफ से एक सबसे बड़ा चेतावनी जो उड़ीसा के जनता को या पहले से सूचित कर रहा हूं, आप लोग तैयार रहिए कि आपका जंगल जाने वाला है, आप लोग तैयार रहिए बेरोजगारी बढ़ने वाला है, आप लोग तैयार रहिए कि सूट बूट के लोग पहुंचेंगे भुवनेश्वर में, पूरा उड़ीसा को खाली करके जाएंगे। और ये आज का डेट 6 जून 2024 का डेट को याद कीजिए। आप इस सरकार का लूट को रोकने के लिए एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग उनके सिपाही के रूप में आपका जंगल जमीन नौकरी बचाने के लिए हम लोग जेल डालने के लिए तैयार है। आज देश में पूरा लोग मान लिया देश को डेमोक्रेसी चाहिए, देश को डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। और देश को देश डेमोक्रेसी बचाने वाला चाहिए, ये डिक्टेटरशिप लाने वाला नहीं चाहिए। इसके वजह से आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो इलेक्शंस में पूरा कांग्रेस का तरफ से इतना अच्छा रिजल्ट्स दिया, और रिजल्ट्स के जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के ऊपर जो लोग आज रखा, वो कॉन्फिडेंस को बराबर हम जिम्मेदार से काम करेंगे। वैसे उड़ीसा में भी बहुत अच्छा मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, जब 9 असेंबली थे आज 14 दिया, और कांग्रेस ने इधर आदिवासियों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, ओबीसी के लिए, दलितवासियों के लिए और माइंस एंड मिनरल्स के लिए जितना लड़ाई करके उसके साथ हम रहेंगे बोल के जो मैसेज दिया, वो मैसेज के ऊपर आज रिजल्ट्स आया। अभी जो भी अपोजिशन है, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जैसा, अभी वो 14 एमएलए के साथ आज से शुरू होके आने वाले 5 सालों में असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी उड़ीसा वालों के लिए कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगा, और जो वादा दिया माइंस एंड मिनरल्स को बचाएंगे, और जो वादा दिया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए और उड़ीसा इरिगेशन के लिए, उड़ीसा मिनरल्स बेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए, आग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए हम जग करते रहते। उड़ीसा को बचाने के लिए
आज अभी हमारा अजय कुमार जी इंचार्ज ने अच्छा से बताया, सूट बूट वाले जो कॉरपोरेट सेक्टर भारतीय जनता पार्टी का नाम पकड़ के आज पूरा वर्षा अंदर आएगा, जो जंगल जमीन जल जितना भी है ओडिशा वालों के लिए वो पूरा खरीदने के लिए सूटकेस पकड़ के इधर आएगा। देश विदेश रो कोण अनुकोण रो टेक्निक खबर देखंतु आम सह YouTube Facebook आ Instagram रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को आद्य भूलंतुनी।